हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तो बहुत ही हेल्दी वाली रेसिपी है, जो बच्चे पालक नहीं खाते वो भी बहुत अच्छी तरह से ये पालक के फॉर्म में आप इसको खिला सकते हो और बिल्कुल ऑयल फ्री है। तो यहाँ पे मैंने एक बंच ऑफ पालक लिया है, इसको 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से हम वॉश कर देंगे। उसको हमें ब्लांच करना है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए, उसमें कैसी तरह से ब्लांच करना होता है वो मैंने बहुत ही दिखाया है। तो पानी में हमें जस्ट उसको बॉइल्ड करना है और उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। तो यहाँ पे हमने लिया है धनिया, अदरक, लहसुन और यहाँ पे हरी मिर्च लिया है और यहाँ पे लिया है हमने मिक्सी का जार। इसी के अंदर हमने यहाँ पे डाल देंगे हम सारी चीज़ें और हमने जो ब्लांच किया है पालक उसको भी हम यहाँ पे एकदम पानी निचोड़ के स्क्वीज करके हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये बहुत ही इजी तरीके से हमें पालक को ब्लांच करना है। और यहाँ पे हमने सूखे मसाले लिए हैं, धनिया है, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मैगी पाउडर, आमचूर पाउडर और नमक लिया है। सभी मैंने एक एक टेबलस्पून लिया है। ये सारी चीज़ों को हम मिक्सी के जार के अंदर ही डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और जो पालक हमने ब्लांच की थी वो भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक पेस्ट बना ली गई है पालक की। तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 कप हमने आटा लिया है, जो हमारा आटा रोटी का आटा होता है वही हमने लिया है। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे ऑयल डाला है, 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे अजवाइन डाली है। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हो। और जो प्योरी हमने बनाई थी पालक की वो भी इसके अंदर डाल के एक जो आटा हम रोटी का बेलते हैं बस ऐसे ही आटा हमें यहाँ पे सान लेना है। ना ही ज़्यादा हमें सॉफ्ट रखना है और ना ही ज़्यादा हमें हार्ड रखना है, मीडियम हमें यहाँ पे आटा सान लेना है। उसको 20 मिनट तक हमें उसको ढककर ऐसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद हम यहाँ पे आटे को ले लेंगे, इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल के हम ऐसे मसल लेंगे 1-2 मिनट के लिए। और इसको हम छोटे छोटे लुए बना लेंगे, जैसे पूरी वगैरह बेलते हैं बस इसी तरह से हम यहाँ पे लुए बना लेंगे। तो ये जो हम नाश्ता बना रहे हैं आप उसको ट्रैवलिंग में भी आप उसको कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने यहाँ गोले बना लिए हैं। तो अब इसके अंदर हम यहाँ पे जैसे रोटी बेलते हैं ऐसे ही हम यहाँ पे रोटी बेल लेंगे। बहुत पतली हमें बेलनी है, मोटी नहीं बेलनी है, एकदम पतली, जैसे हाथ हमारा दिखने लगे इतना पतला हमें यहाँ पे बेल लेना है। तो यहाँ पे हमने रोटी बेल ली है, आप देख सकते हो एकदम पतली थीन हमने यहाँ पे रोटी बनाई है। तो आप यहाँ पे हम यहाँ पे स्क्वायर साइज में या तो रेक्टेंगल साइज में हम यहाँ पे कट कर रहे हैं। आप चाहे तो राउंड शेप रख सकते हो, ट्राइंगल बना सकते हो, कोई भी शेप आप उसको दे सकते हो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल राउंड तीनों हम यहाँ पे शेप दे रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे रेक्टेंगल में हमने यहाँ पे काट लिया है, तो इसको हम साइड में रख देंगे और इसी तरह से हम दूसरी भी ऐसे बेलते जाएंगे। कोई भी शेप आप ले सकते हो, बिल्कुल ऑप्शनल है, बस ध्यान इतना रखना है कि हमें बहुत ही पतला बेलना है यहाँ पे। तो ये खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। और यहाँ पे हम ले रहे हैं तवा, तवा हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो हम बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें उसको सेकना है और अलट पलट कर देना है, जैसे बबल स्टार्ट हो जाए तो हम उसको पलट देंगे, दूसरी तरफ भी बबल हो जाए तब हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और ऐसे प्रेस करते जाएंगे और एक हम खाखरा बना लेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से हमें यहाँ पे बना लेना है। तो जैसे ही हमारा ये एकदम क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें उसको प्रेस करते जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ आपको। तो जब तक ये हमारा क्रिस्पी नहीं हो जाता है तब तक हमें उसको ऐसे प्रेस करते जाना है। तो एक हमारा हो गया है बिल्कुल क्रिस्पी, इसी तरह से हम दूसरा भी ऐसे बना लेंगे। जैसे ही बबल स्टार्ट हो जाते तो अलट पलट करके हम यहाँ पे ऐसे प्रेस करते जाएंगे। जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाता है तब तक हमें उसको किनारी किनारी से ऐसे बीच बीच में से ऐसे प्रेस करते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लौकी का भी खाखरा मैंने शेयर किया है, उसकी रेसिपी, वो भी आप मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप में और यहाँ पे स्क्वायर शेप में हमने यहाँ पे सारे खाखरे बना लिए हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम क्रंची क्रिस्पी वाले और टेस्ट में बहुत ही बढ़िया वाले, सारे आपको टेस्ट देगा, आमचूर का, मैगी मसाले का टेस्ट देगा आपको। तो एक मैं यहाँ पे तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी बना हुआ है,
आप उसके आवाज़ से ही पहचान पाओगे कि कितना क्रिस्पी वाला बना हुआ है। तो आप घर पे चाय के साथ, अचार के साथ, घी के साथ आप कभी भी खा सकते हो, चलते फिरते आप खा सकते हो। बहुत ही हेल्दी वाला है ये, पालक का बनाए हुए नया वर्जन है ये। तो ये घी में अप्लाई कर रही हूँ, उसके ऊपर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ अचार। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही हेल्दी है, बच्चों भी ये आराम से खा लेंगे। तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करना ये पालक वाले खाकर। तो मिलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।